मैं अभी बता ही रहा था, मूवीज ब्लॉकबस्टर, डार्लिंग प्रभास इज बैक, हैट्स ऑफ प्रशांत सर, वी नीड काइंड ऑफ प्रशांत सर डायरेक्टर। पिक्चर बहुत मजेदार है, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया, पार्ट टू के लिए वेट कर रहे हैं। प्रभास को बहुत टाइम के बाद देख करके बहुत सही लगा मुझे, जब जब वो आया सीटीएल लोग बजा रहे थे। थिएटर वॉज स्टेडियम, आई एम टेलिंग यू, लाइक एक एक सीन जो इंटरवल के बाद जो एक्शन स्टार्ट हुआ ना वो बेस्ट था। प्रभास इज द कमबैक, और अगर मैं जवान और पठान के बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर से एक बार तहलका मचाने वाला है सरार। भाई कैसी लगी? अच्छा मूवी, अच्छा अच्छा अच्छी मूवी, अच्छी आई है सर। कैसी थी मूवी? बहुत अच्छी थी जी। लाइक बाहुबली 2 के बाद में लाइक प्रभास को इस अवतार में लाइक प्रशांत नील ने फर्स्ट टाइम बाकी दूसरे डायरेक्टर से अलग, मतलब फर्स्ट टाइम उसको बाहुबली जैसा एक सुपेरियरिटी दिया है। सिनेमेटोग्राफी और लुक एंड फील वाइज भी एकदम हॉलीवुड लेवल की फिल्म है। एक्शन कोरियोग्राफी बहुत ही अच्छी है और लगता है कि मतलब उसमें प्रभास है। बाकी बीच में जितने भी फिल्म्स आए थे प्रभास के, डायरेक्टर्स वगैरह उसको उसके हीरोइज्म को अच्छे से दिखा नहीं पाए थे जितना प्रशांत नील ने दिखाया है। जी, बहुत वायलेंस है, इसलिए एडल्ट रेटिंग दिया गया है। फाइनली न्यू ईयर क्रिसमस ऐसा लग रहा है कि बन जाएगा, क्योंकि जेन्युइनली एक बहुत अच्छी मास मसाला मूवी आ गई है। सर कैसी लगी? अच्छी लगी, केजीएफ से भी हाई लेवल पे। केजीएफ से भी हाई। कैसी लगी सलार? बहुत मजा आया, मास एंटरटेनर। क्रिसमस वीकेंड में आप ये फैमिली के साथ तो नहीं जा सकते, बस दोस्तों और अपने भाई लोग के साथ जाइए, बहुत ब्रिलियंट। प्रभास आफ्टर सीइंग बाहुबली के बाद इसमें थोड़ा से लाइक ईस्टर्स एग भी दिए, लाइक कुछ कुछ सीन्स क्रिएट किए प्रशांत नील ने। प्रशांत नील ने बहुत अच्छा यूटिलाइज किया है प्रभास को ये मूवी में। स्टोरी इज द मेन थिंग इन द मूवी, लाइक कंटेंट। आई ऑलवेज से कि कंटेंट इज द मेन की ऑफ दिस मूवी, और कंटेंट बहुत ब्रिलियंट है। लाइक दे आर एक्टर, बट है ना आप अंदर जाओगे ना प्रभास नहीं है, भूल जाओगे वो, आपको एक कैरेक्टर लगेगा वो वर्ल्ड बिल्डिंग में खान सार का, वो कौन है। लाइक एंडिंग तलक वी वॉज चीयरिंग फॉर नॉट प्रभास, वो एक कैरेक्टर के लिए बोल रहे थे कि ओ कि ये था, मीन सस्पेंस एंड ऑल। अरे द थिएटर वॉज स्टेडियम, आई एम टेलिंग यू, लाइक एक एक सीन जो इंटरवल के बाद जो एक्शन स्टार्ट हुआ ना वो बेस्ट था। प्रभास हैज नेल्ड इट, ओके ही इज नेल्ड इट। इज पहले दरवाजे पे नेल किया और अभी थिएटर में नेल किया और अभी बॉक्स में नेल करेगा। या डायरेक्शन की बात करें तो प्रशांत नील डायरेक्टर विद प्रभास कॉम्बिनेशन ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट। लाइक हम लोग ने जब भी जैसा यश आया था AGF के टाइम, सो मतलब ही वॉज ऑल्सो न्यू, बट ये इतना बड़ा सुपरस्टार रेबल स्टार के साथ करना, तो आई गेस हमको लगा था कि प्रेशराइज हो जाएगा, बट नहीं, ही वॉज लाइक उसका फोर्थ मूवी है कोई बोल सके, इतना ब्रिलियंट वर्ल्ड बिल्डिंग कर रहा है। बहुत या मैं तो कल सुबह का फर्स्ट शो देखा था 5 बजे, हम लोग जो डिसअपॉइंटमेंट है ना मैं और मेरा फ्रेंड, उसके बाद वी आर सो हैप्पी। मैं इसलिए ना ऑफिस में बोला कि भाई मैं लेट आऊँगा कल का ट्रॉमा निकालने, कि मैं देख के आऊँगा, इसलिए मैं आया फर्स्ट शो। क्या लगता है कर दिया जितना उसका फर्स्ट डे आएगा ना उसका, वो तो एडवांस बुकिंग था, तो क्या आंसर देने फॉर है ना। मास का एंटरटेनर है बस। एक नंबर लगी। कैसे लगे प्रभास? मतलब प्रभास जब जब आए बहुत ज़्यादा सीटियाँ बजी थी, जब जब मतलब 3-4 मोमेंट है बहुत अच्छे हैं, मतलब फुल वायलेंस से पिक्चर में। उतना वायलेंस नहीं है, मेरे को लगता है ए रेटिंग नहीं देनी चाहिए थी, ए रेटिंग का उतना ज़्यादा नहीं है। 1-2 सीन थे हाथ कटिंग के, वैसा उतना कुछ नहीं था, बट बहुत अच्छी है, मतलब इमोशनल सब कुछ कनेक्ट कर पाओगे आप। मतलब प्रभास को इस अवतार में बहुत टाइम, बहुत अच्छा, मतलब बाहुबली के जितना क्रेज है, जब जब वो आया सीटिया लोग बजा रहे थे, मतलब बहुत अच्छी लगी मेरे को तो। पार्ट 2 के लिए वेट कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, वो नेक्स्ट ईयर शायद आ जाएगा। सब रॉकी भाई का इंतजार कर रहे थे, वो आए नहीं, बट फिर भी जितने टाइम प्रभास आया बहुत अच्छा किया उसने, मज़ा आ गया। पृथ्वीराज की भी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मैं तो कहूँगा एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए प्रभास का, ये बहुत अच्छा कमबैक है, तो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगे प्रभास। मैं 4.5 दूंगा। सर कैसी लगी सलार? पिक्चर बहुत मज़ेदार है, बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, ऐसा लगा मतलब ये मूवी थी किधर, मतलब अभी ऐसा लगा कि आई है, तो बहुत मज़ा आया देखने में, बहुत अच्छा लगता है। जो एक्शन सीन्स थे बहुत ग्रैंड लेवल पर शूट किया गया है, पिक्चर की स्टोरी अच्छी है,
सेटअप किया गया है, पार्ट टू के लिए सेटअप किया गया है। प्रभास कैसे लगे इस अवतार में? प्रभास बहुत अच्छे लगे, प्रभास की जो एक्टिंग है बहुत अच्छी लगी, उनका ऐसा लग रहा था कि मतलब उनने मेहनत किया है, उनके एफर्ट दिखते हैं स्क्रीन पे, जैसे प्रीवियस मूवी में उनके एफर्ट नहीं दिख रहे थे, ये मूवी में उनके एफर्ट दिखते हैं, क्योंकि वो रोल भी ऐसा लगता है ये रोल भी उन्हीं के लिए बनाया गया, टेलर मेड रोल लगता है, तो अच्छे से मतलब वो जब 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 स्क्रीन पे आते हैं और एक्शन सीन्स करते हैं तो मतलब बहुत मज़ा आता है देखने। और पृथ्वीराज सुकुमार जी की एक्टिंग के बारे में क्या बोलूँ, उनकी एक्टिंग भी बहुत बढ़िया थी, दोनों का जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था अच्छे से दिखाया है, कि प्रभास उनके मतलब एक आवाज़ पे मतलब पूरी तबाही मचा देते हैं, वैसा ही वो उनकी माँ के लिए भी मतलब उनकी माँ का खाली एक आदेश आता है तो वो तबाही मचा देते हैं, तो उनके माँ और बेटे का एंगल दिखाया वो भी बहुत अच्छे से दिखाया है। तो क्या लगता है बॉक्स ऑफिस में भी तबाही, बॉक्स ऑफिस में तबाही मचाएगी? और गाने का बोलना चाहूँगा, गाने मतलब अच्छे सिचुएशनल गाने, मतलब सीन को अच्छे से मतलब दिखाते, पीछे से मतलब सीन्स आते हैं तो पीछे से अच्छे से बैकग्राउंड में सॉन्ग्स बजते जो अच्छा है, मतलब ऐसा ऑफ बीट नहीं जाती है मूवी कि गाना आया सब नाच रहे, मतलब पीछे सीन के हिसाब से गाने बजते जो अच्छी चीज़ है। और स्टोरी टेलिंग प्रशांत नील की बहुत अच्छी है, उनका जो विज़न है मतलब पर्दे पे दिखता है कि उनका जो विज़न है वो, और जैसा KGF की जो दुनिया है वैसा सलार की भी एक दुनिया स्टार्ट हुई है, पार्ट वन में मतलब अच्छे से बिल्डअप किया है, जो सेकंड पार्ट में लोगों को देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। डंकी देखी आपने? डंकी भी देखी। तो क्या लगता है सलार वर्सेस डंकी? डंकी मतलब मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा कि कोई पिक्चर किसको क्या करेगी, लेकिन दोनों की एक अलग ऑडियंस है, मास जो लवर है उनको सलार पसंद आएगी, जो क्लास ऑडियंस है उसको डंकी पसंद आएगी, बाकी क्लास ऑडियंस को भी अच्छी लग सकती है सलार, क्योंकि स्टोरी टेलिंग अच्छी है मूवी में, स्टोरी है। डंकी में मतलब थोड़ा बहुत राजकुमार रैना ने लेवल जो था उनका वो लेवल नहीं था, वो हिसाब से मतलब थोड़ा वो लगी, लेकिन सलार में मतलब लोगों को मज़ा आएगा, तो थोड़ा पिक्चर दब सकती है डंकी। 4.5। सर कैसी लगी मूवी? अच्छी अच्छी है, सेकंड हाफ बहुत अच्छी है, बहुत प्रभास को अवतार बेस्ट बेस्ट प्रभास का अवतार, मतलब ये शूट करता है ना उस पर, बहुत बहुत अच्छी है, बहुत स्टोरी सलार की बहुत अच्छी है। पार्ट टू के लिए वेट कर रहे हैं प्रभास को अवतार में? प्रभास ये जो एक्शन हीरो का उसका है वो बहुत अच्छा लगता है उसको, ऐसा ही बहुत अच्छा लगता है। भाई कैसी लगी? अच्छा मूवी कैसा लगा प्रभास? कैसे लगा? अच्छा अच्छी मूवी, अच्छी आई, मजा आ गया, मजा एक नंबर, बढ़िया एक नंबर भाई, एक नंबर, ए पैसा वसूल भाई, पैसा। कैसी लगी भाई पिक्चर? बहुत अच्छी लगी। सर कैसी लगी मूवी? भाई कैसी लगी पिक्चर? अच्छी लगी भाई। भाई कैसी थी मूवी? सर कैसी लगी मूवी? बस सर कैसी थी मूवी? बहुत अच्छी थी, जी 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 जी। लाइक बाहुबली 2 के बाद में लाइक प्रभास को इस अवतार में लाइक प्रशांत नील ने फर्स्ट टाइम बाकी दूसरे डायरेक्टर से अलग, मतलब फर्स्ट टाइम उसको बाहुबली जैसा एक सुपेरियरिटी दिया है, सिनेमेटोग्राफी और लुक एंड फील वाइज भी एकदम हॉलीवुड लेवल की फिल्म है, एक्शन कोरियोग्राफी बहुत ही अच्छी है, और लगता है कि मतलब उसमें प्रवास है, बाकी बीच में जितने भी फिल्म्स आए थे प्रवास के डायरेक्टर्स वगैरह उसको उसके हीरोइज्म को अच्छे से दिखा नहीं पाए थे जितना प्रशांत नील ने दिखाया है। जी बहुत वायलेंस है, इसलिए एडल्ट रेटिंग दिया गया है, मतलब वायलेंस इसलिए कि पूरा जी पूरा वायलेंस है जी। पाँच में से कितना स्टार देना चाहेंगे? 5 में से 4। थैंक यू सर। सर कैसी लगी? अच्छी लगी, KGF से भी हाई लेवल पे, KGF से भी हाई, तो क्या प्रभास को देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बट इतना एक्शन है ना जो KGF में नहीं है उससे डबल ट्रिपल है। पार्ट टू के लिए और 5 में से 5। सर कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी। सर कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छा मूवी। सर कैसी लगी? एक्सलेंट। प्रभास खतरनाक पैसा वसूल। सर कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी, मतलब मज़ा आ गया, मतलब पैसा वसूल, मतलब क्या एक्शन था, मतलब देखने को, मतलब सोचा नहीं था कि इस तरह की मूवी होगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये KGF से भी ऊपर है, मेरे को ऐसा लग रहा है, इतना मज़ा आया, मतलब जो प्रभास की जो एंट्री है हर एक सीन, मतलब घूसदम पा रहा हर एक सीन, मैं तो गला बैठ चुका, मैं तो बोला नहीं जा रहा अंदर, इतना मैंने चलाया वहाँ पे, नेक्स्ट लेवल, फुल पैसा ब्लॉकबस्टर, कैपिटल लेटर ब्लॉकबस्टर। अच्छा सेकंड पार्ट के लिए वेट कर रहे हो भाई? बिल्कुल या आई सी। कैसी लगी मूवी? इज ऑसम गाइस, मैं अभी बता ही रहा था, मूवी इज ब्लॉकबस्टर, डार्लिंग प्रभास इज बैक, हैट्स ऑफ प्रशांत सर, वी नीड काइंड ऑफ प्रशांत सर डायरेक्टर, प्रशांत सर इज ऑसम,
क्या इमोशन है, आप एक मिनट के लिए भी सीट से मूव नहीं हो सकते। इतनी अच्छी सिनेमाटोग्राफी है भुवन सर का, ऑसम एक्शन इमोशन एवरीथिंग इज देयर। प्रभास को इस अवतार में देख के कैसे लगा? आई कैन टेल यू सलार इज बैक, डार्लिंग प्रभास इज बैक, आई कैन टेल यू वी लव यू प्रशांत सर। 5 में से कितना स्टार देना? 5 out of 10 आई कैन गिव यू ब्रो, आई विल गो अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वेरी एक्साइटेड ब्रो, वेरी एक्साइटेड, आई कैन टेल यू, थैंक यू सो मच। सलार क्रिसमस गिफ्ट, न्यू ईयर गिफ्ट क्या कहना चाहोगे? फाइनली न्यू ईयर क्रिसमस ऐसा लग रहा है कि बन जाएगा, क्योंकि जेन्युइनली एक बहुत अच्छी मास मसाला मूवी आ गई है, रेबल स्टार कमबैक मूवी। और इस अवतार में देखने के लिए लोग बहुत तरस गए थे, और उनका जो बाहुबली के बाद जो ये अवतार है, ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। द रूथलेस कैरेक्टर, मतलब वॉयलेंस ही वॉयलेंस है। अडल्ट इसलिए मिला है क्योंकि उसमें कुछ अडल्ट सीन्स नहीं है, उसमें एक्शन इतना है कि वो समझ गया अडल्ट सर्टिफिकेट क्यों मिला है। क्या कहना, जब जब प्रभास की एंट्री हो रही थी या वो आने वाले थे, जो दहशत लग रहा था वो ऑडियंस में भी फील हो रहा, वो जो सीन्स क्रिएट किए, वो जितना सीन चालू होने के बाद नहीं, जो सीन को क्रिएट करने के लिए वो जो एटमोसफियर रहता है ना कि अभी एंट्री होने वाली है, अभी कुछ होने वाला है, अभी हम लोग बार बार सीट के एजेस पे आ जा रहे थे कि अरे अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मूवी देखने के टाइम ही हो रही थी। तो अभी पार्ट टू के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि जो सस्पेंस पे जो खत्म किया उन्होंने, तो पार्ट टू के लिए अब रियली बेस्ट मूवी। इंटरवल एंड क्लाइमेक्स, इंटरवल और क्लाइमेक्स एंड, मैं उसके लिए वापिस जाऊँगा। प्रशांत नील सर इज नोन फॉर स्टोरी टेलिंग एंड हिज डायरेक्शन, एंड ही हैज डन हिज वर्क वेरी वेल। स्टोरी टेलिंग प्रशांत सर, हैट्स ऑफ। जी मैंने कल गेटी में देखी 5 बजे का शो, तो मैं उसी को भूलने के लिए सलार देखने आया था आज फर्स्ट डे पर शो। वो 2018 का सीन होने वाला है फिर से, KGF वर्सेस जीरो तो रिपीट होने वाला है। सलार KGF बनने वाली है और डंकी जीरो बनने वाली है। 5 out of 5 मेगा ब्लॉकबस्टर, थैंक यू सो मच।